हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी मीडियम का फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर है चुंबकत्व। चुंबकत्व का आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। अब हम सेकंड पार्ट में एंट्री करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने चुंबकत्व के जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, दंड चुंबक के जो सामान्य गुण हैं, ये सब का स्टडी आपको कराया था। अब हम आज पढ़ेंगे कूलाम के नियम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने बोला था कि इसको पढ़ने से पहले आप लोग विद्युत का रिवीजन कर लेंगे, जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो पहला पार्ट है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम ने जिस तरह से विद्युत के लिए नियम दिया था, एग्जैक्ट वैसी ही यदि हम इसको पूरा कहें तो पूरा इसको कहा जाता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, पूरा नाम ऐसा है इसका, व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहा जाता है अभी मैं नियम समझाते समय आपको एक्सप्लेन करूंगा। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए, जैसे विद्युत में कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एग्जैक्ट वैसे यहाँ पर भी इन्होंने अपने कथन में कूलाम का जो कथन है, सबसे पहले आप उन कथन को लिखेंगे, हम मैथमेटिकली उसको देखते हैं। देखिए, सपोज अपने पास कोई एक चुंबक का ध्रुव है, मान लो ये कोई चुंबक का ध्रुव है जिसको हम प्रदर्शित करेंगे M1 से, और सपोज ये चुंबक का कोई दूसरा ध्रुव है, ये M2 है। ये चुंबक के दो ध्रुव हैं, क्लियर। और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हमने मान लिया सपोज डी या आर, कुछ भी मान सकते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी डी है, और इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण कब होगा जब विजातीय ध्रुव होंगे, और प्रतिकर्षण कब होगा जब विजातीय ध्रुव होंगे। यहाँ पर देखो, सजातीय ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। जैसे वहाँ पर हम आवेश बोले, बस यहाँ पर ध्रुव करना है, बाकी पूरा नियम सेम टू सेम है। यदि वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार है तो आपको रिविजन जैसा ही है, फिर भी मैं इसको कराता हूँ, देखिए ध्यान से। तो पहला कथन में पहला नियम उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वह इन दोनों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, इसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए हम इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं, इसके कारण, क्लियर। तो ये दो कंडीशन उन्होंने बताया। अब यदि हम दोनों को मिला दें तो एफ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा M1 × M2 / d2, ये हो जाएगा। आगे इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें तो जब हम समानुपात के निशान को बराबर में बदलेंगे तो हो जाएगा F = K × M1 × M2 / d2, relation number 3। सपोज यहाँ पर K एक समानुपातिक नियतांक है। बाद में कूलाम ने इस समानुपातिक नियतांक का मान बताया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं CGS सिस्टम में। CGS पद्धति में कूलाम ने बताया कि K का जो मान है वो इकाई के बराबर होगा, यूनिट होगा। इस तरह से यदि हम उस मान को वहाँ पर भर दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, therefore F = K1 हो गया, तो हो जाएगा M1 × M2 / d2। ये डायन, इंग्लिश में अपन डायन बोलते हैं, ये इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक CGS में डायन होता है। बाद में इसका मान को जब SI यूनिट में बताया, बट इन SI यूनिट, तो SI यूनिट में जो K का मान उन्होंने बताया, ठीक है, तो K के मान को उन्होंने बताया म्यू अपान फोर पाई, जहाँ पर म्यू क्या है, चुंबकशीलता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो म्यू है चुंबकशीलता है, वो दो तरह का होता है, एक माध्यम का चुंबकशीलता, एक वायु निर्वात का चुंबकशीलता। तो आगे
इस म्यू के वैल्यू को गुलाम ने बताया कि म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यह जो चुंबकशीलता होता है वह वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है, और आर फॉर रिलेटिव मीडियम किसी माध्यम का चुंबकशीलता है, और इन दोनों का गुणनफल उसके चुंबकशीलता के बराबर होता है। इस तरह से बाद में ये जो फार्मूला उन्होंने बनाया, इस फार्मूला को वायु या निर्वात के लिए अप्लाई किया, वायु या निर्वात। अब आप ध्यान रखना, अब जो भी हम बात करेंगे वह वायु या निर्वात के लिए होगा। ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि अब वायु या निर्वात का मतलब क्या है, अब हमारे चुंबक के दोनों जो ध्रुव हैं वो वायु या निर्वात में रखे गए हैं, किसी माध्यम के अंदर नहीं रखे गए हैं। तो वायु या निर्वात के लिए ये जो म्यू आर का वैल्यू होता है, म्यू आर मतलब उसकी जो चुंबकशीलता होती है वो इकाई की बराबर होती है, इकाई के बराबर होता है वायु या निर्वात के लिए। तो वायु या निर्वात के लिए म्यू आर का वन होता है मान, तो इसको हम यहाँ पर रख दें तो देयर फॉर म्यू बराबर क्या होएगा, म्यू नॉट होएगा। म्यू बराबर म्यू नॉट क्योंकि म्यू आर क्या हो गया, इकाई हो गया। इस बात को यदि हम यहाँ पर रख दें तो देयर फॉर के बराबर अब हम इस म्यू के वैल्यू को रख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π। इस तरह से ये जो k का मान निकाला वायु या निर्वात के लिए, कुलाम ने जो k का मान निकाला उसको म्यू नॉट अपॉन 4π निकाला। अब यदि हम इस कांस्टेंट को यहाँ पर रख दें 3 में, तो हमको नया फार्मूला क्या मिल जाएगा, देखिए देयर फॉर 3 से यदि हम 3 में इस मान को रख दें तो f इक्वल अब जो k का मान है वो निकल चुका है म्यू नॉट अपॉन 4π, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π m1 इंटू m2 अपॉन d2। ये इसका फाइनल इक्वेशन है और इसको हम कहेंगे न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। गुलाम ने क्या किया, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4π है जो कि एक नियतांक है, उसको उन्होंने आंकिक मान निकाला, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमको इसका आंकिक मान पुटअप करना पड़ेगा। तो उन्होंने आगे बताया कि परंतु प्रयोगों द्वारा निकाला कि म्यू नॉट अपॉन जो 4π का वैल्यू होगा वो 10^-7 होगा। इस प्रकार से म्यू नॉट अपॉन 4π का वैल्यू को 10^-7 बताया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो देयर फॉर ये हमारा फार्मूला इस तरह से हो जाएगा f = 10^-7 m1 इंटू m2 अपॉन d2। ये इसका फाइनल इक्वेशन है, यहाँ तक आपके कुलाम के नियम को लिखना है। तो ये कुलाम का नियम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसके साथ में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कभी भी कुलाम के विक्रम वर्ग के नियम को पूछता है तो साथ में ये भी पूछ देता है कि इसकी सहायता से एकांक ध्रुव की परिभाषा कीजिए। एकांक ध्रुव का जो कॉन्सेप्ट है यूनिट पोल, ये यूनिट पोल या एकांक ध्रुव का जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम के नियम के अकॉर्डिंग यदि हम एकांक ध्रुव को परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। नाम से तो स्पष्ट है एकांक ध्रुव का मतलब क्या, ऐसा ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य क्या हो, इकाई हो, स्मॉल m क्या है यहाँ पर ध्रुव प्राबल्य होता है। लेकिन यदि हम उसको कुलाम के नियम के अनुसार यदि हम उसको एक्सप्लेन करें तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए ये हमारा जो नियम है कुलाम का, उसमें यदि हम मान लें कि यदि ये जो f है बल वो 10^-7 न्यूटन है, मान लो दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल f है उसको हमने 10^-7 न्यूटन मान लिया, और दोनों जो ध्रुव हैं m1 = m2 इसको हमने m मान लिया जो कि क्या है, समान तथा सजातीय का मतलब क्या हुआ, देखो परिमाण में दोनों समान हैं और सजातीय क्योंकि हमने m मान लिया, सजातीय कहने का मतलब या तो दोनों उत्तरी ध्रुव हैं या दोनों दक्षिण ध्रुव हैं, तथा हम दोनों के बीच की जो दूरी है d इसको मान लिया एक मीटर मान लिया। इतने कंडीशन को यदि हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, ये जो हमने माना है वो सभी कंडीशन को यदि अप्लाई कर दें तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा, f का मान भर देंगे हम 10^-7 बराबर, यह तो है अपने पास
10 की घात ऋण 7 गुणित दोनों m को लिख सकते हैं m इंटू एम और अपान d को माना है क्या इकाई, ये हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करें तो नेचुरली आप देख रहे होंगे ये दोनों आपस में कट जाएंगे और क्या बन जाएगा m स्क्वायर, और m स्क्वायर हो जाएगा 1, m स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर m इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा एकांक ध्रुव क्योंकि हमने m के मान को प्लस माइनस 1 बता दिया। अब इस बेस पर यदि हम इसकी परिभाषा करना चाहें, यदि हम इसकी परिभाषा करना चाहें तो परिभाषा किस प्रकार से कर सकते हैं आप ध्यान से सुनिए। ये पूरे कंडीशन को आपको बोलना है, रटना नहीं है कुछ भी, सब समझने का है। पूरे कंडीशन को यदि हम शब्दों में एडजस्टमेंट करके बढ़िया से बोल रहे तो परिभाषा भी आ जाएगा। कैसे देखिए, ये दोनों ध्रुव कहाँ रखे हैं आप ध्यान रखना, वायु या निर्वात में रखे हैं क्योंकि यहाँ पर हम 10 की घात ऋण 7 का जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ओनली फॉर एयर आर वैक्यूम, ये सिर्फ वायु या निर्वात के लिए है। तो हम परिभाषा इस तरह से कहेंगे, देखिए यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। वायु या निर्वात में ध्यान से सुनिए, एक बार बोलने से डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित, पहले मैंने ये बताया कि कहाँ रखे हैं, फिर मैंने ये बताया कि कितनी दूरी पर रखे हैं, फिर ये बताएंगे कि कैसे ध्रुव हैं, समान तथा सजातीय ध्रुव हैं, समान तथा सजातीय ध्रुव हैं, फिर ये बताएंगे कि कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, सजातीय ध्रुव हैं। तो अब इसको मैं सिस्टमेटिक बोलता हूँ, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान तथा सजाती ध्रुव यदि एक दूसरे को 10 के घात ऋण 7 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो ऐसे ध्रुव एकांक ध्रुव कहलाते हैं। यदि आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने एकांक आवेश को परिभाषित किया था कूलाम के नियम की सहायता से। यदि वो आपको समझ में आ गया होगा, लर्न हो गया होगा, तो यहाँ पर केवल आपको आवेश को ध्रुव कहना है और कुछ नहीं कहना है, यह डेफिनेशन बन जाएगा। तो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से रिलेटेड है। तो आप यदि वहाँ अच्छे से तैयार हैं तो एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल उसी की तरह, क्लियर। तो अब आपसे परिभाषा बन जाएगा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एकांक ध्रुव की परिभाषा पूछ देता है कूलाम के नियम की सहायता से, तब उस कंडीशन में हमको सूत्र को लिखना है और बस इतना लिखना है और परिभाषा लिखना है। मान लो हमको बोलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन कि कूलाम के नियम की सहायता से एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए, तो हम सीधा लिखेंगे कि कूलाम के नियम के से हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू इतना, फिर इतना लिख के उसकी परिभाषा करेंगे, क्लियर। ये है कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम के बाद हम कुछ टर्म इसमें देखें, इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वैसे हिंदी मीडियम के तो स्टूडेंट्स को मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। नोट्स भले ही मेरे वीडियो अपलोड करने के 1-2 दिन बाद थोड़ा डिले आता है क्योंकि मैं उसको प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं जब कूलाम ने बल के बारे में बताया, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल, इसके बाद जो टर्म हम पढ़ते हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र। भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आप विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र मतलब जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है, वैसे ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, देखिए सपोज हमारे पास ये एक दंड चुंबक रखा हुआ है, सपोज ये कोई दंड चुंबक है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यह दंड चुंबक अपने चारों ओर जहाँ तक अपना प्रभाव प्रदर्शित करेगा, सपोज ये मैंने जो डॉटेड लाइन किया ये चुंबक के चारों ओर का प्रभाव, ये कैसे पता चलेगा, जब किसी चुंबकीय सुई को हम लाएंगे तो यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, विक्षेप प्रदर्शित करेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ तक इसका क्षेत्र है। तो कोई भी चुंबक अपने चारों ओर, कोई भी चुंबक अपने चारों ओर जहाँ तक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है
उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को समझने के बाद हमको एक नया कॉन्सेप्ट समझना है, वो है एकांक उत्तरी ध्रुव। एकांक उत्तरी ध्रुव, ये जो एकांक उत्तरी ध्रुव होता है, यूनिट नॉर्थ पोल, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका ध्रुव प्राबल्य क्या है, इकाई है, और वह उत्तरी ध्रुव है। मतलब यदि कोई ऐसा उत्तरी ध्रुव जिसका ध्रुव प्राबल्य इकाई हो, उसको हम एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि हम चुंबक का अकेला ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब हम चुंबक का अकेला ध्रुव प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर हम अकेले उत्तरी ध्रुव के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? तो एक्चुअल में क्या है, यह परीक्षण ध्रुव कहा जाता है। इसका एक और नाम है परीक्षण ध्रुव, जिसको हम काल्पनिक ध्रुव भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसकी केवल क्या की, कल्पना की। तो सब नाम एक ही चीज़ के हैं। एकांक उत्तरी ध्रुव को हम परीक्षण ध्रुव कहते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परीक्षण के काम आता है, आगे हम पढ़ेंगे। और यह एक काल्पनिक ध्रुव है, क्योंकि इसकी केवल क्या ही, कल्पना की। व्यवहार में हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिट नॉर्थ पोल प्राप्त नहीं कर सकते। यूनिट पोल तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ नॉर्थ हो, सिर्फ उत्तरी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान रखना एकांक उत्तरी ध्रुव क्या होता है। क्लियर। तो अब ये हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के बारे में बात करें, यही हेडिंग को मैं चेंज करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आगे ही गणना करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये एक मैग्नेट मैंने रखा है और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। अब सपोज इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर हमने एक m इक्वल टू वन, मतलब क्या रख दिया, एकांक उत्तरी ध्रुव रख दिया। ये एकांक उत्तरी ध्रुव रख दिया, एकांक नॉर्थ पोल। तो जब हम क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र में इस एकांक उत्तरी ध्रुव को रखेंगे, तो इसके नॉर्थ और साउथ पोल क्या होंगे, इस पर बल लगाएंगे। साउथ पोल क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इस पर जो बल लगाएंगे, कोई भी एक पोल, दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक पोल, उस पर जो बल लगाएगा, वही बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब मैथमेटिकली हम देखें, गणितीय रूप से, तो चूंकि हमको पता है एफ इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4π एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि एक ध्रुव क्या है, इकाई है। तो सपोज ये दूसरा जो ध्रुव है, जो हमने इकाई माना है, तो इसको हमने क्या मान लिया, इकाई मान लिया। तो देयरफॉर उस कंडीशन में, इसको फार्मूला को हम अप्लाई कर दें, तो मैं राइट साइड पे लिखता हूँ, उस कंडीशन में हो जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4π, केवल m1 बचेगा। अब चूंकि अकेला है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा m अपॉन डी स्क्वेयर। और उस समय ये जो फार्मूला हमको मिला, इस फार्मूला को अब हम बल नहीं कहेंगे, अब इस फार्मूला को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसको प्रदर्शित करेंगे बी से। तो बी यहाँ पर किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर। यदि हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं, तो उसका संकेत हो जाता है H। H होता है किसका, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम H से प्रदर्शित करते हैं। और हमारे पास कोई आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी हम परिभाषा करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए अभी मैंने बताया चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, या सीधा परीक्षण ध्रुव भी कह सकते हैं एक शब्दों में। तो एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में बल ही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कोई और अलग से आप कोई फैक्टर मान के मत चलना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बल ही है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशनल फोर्स है। मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर। मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा और दूसरे रूप में यदि लिखूँ, तो मान लो हम दोनों तरफ m का गुणा कर देते हैं,
तो दोनों साइड का इसमें m का गुणा कर दूं तो उस कंडीशन में ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी बराबर, और राइट साइड में हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब एक अंक उत्तरी ध्रुव नहीं रहा, अब एक और ध्रुव हो गया, दो ध्रुव हो गए, तो इस कंडीशन में हम इसको पुनः क्या कह सकते हैं, बल कह सकते हैं। तो देयर फॉर एम बी इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखना कि बल बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य गुणित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं बी इक्वल टू एफ अपॉन एम। एक्चुअल में हम लोग यहीं से परिभाषा बना रहे हैं बार बार, अब मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, जो परिभाषा में बार बार बोला उसको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप ध्यान देना। इसमें यदि मैं एम को इकाई ले लूँ, इस एम को इकाई ले लूँ, तो नेचुरली आप समझ गए होंगे कि बी बराबर क्या हो जाएगा एफ, और इसी को हम बार बार इसके परिभाषा में बोल रहे हैं। इस तरह से फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअल में फार्मूला पर बेस्ड होता है। देखिए इसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है वही बल कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में बल ही है, लेकिन कैसा बल, जो एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगता है या एकांक उत्तरी ध्रुव जितना बल महसूस करता है। क्लियर, यह है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और आप एक चीज ध्यान में रखना, जिस स्टूडेंट को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है वही फिर आगे के चैप्टर को ढंग से समझ पाएगा, क्योंकि हम आगे चल के हर टॉपिक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बार बार वही वर्ड यूज़ करेंगे। और यह तो आपको मेरा वीडियो देखते देखते पता हो गया होगा कि हर बार मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आप फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी पर कमांड करो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप बोल रहे हो लेकिन वो क्या होता है आपको नहीं पता, तो आगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में समझना है। क्लियर, मैं चाहता था एक लाइन में इसको आपको बताया था, इसे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इतना डिटेल डिस्कस करने का मतलब है कि आप इसके हर पहलू को जानो कि ये कैसा होता है, ये क्या होता है, इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक छोटा परिभाषा है बस, क्योंकि ये शब्द भी आगे यूज होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यही मैं लिख देता हूं एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा क्या हो, समान हो। जैसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से, ये सब क्या है, ऐसी इनकी बल रेखाओं की दिशा क्या है, समान है। देखो तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और उसकी दिशा समान हो क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हम अपनी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं। इसका एग्जाम्पल है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, हमारी पृथ्वी एक मैग्नेट है और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान है, एक समान हम उसको मान, हालांकि तीव्रता स्थान परिवर्तन पर थोड़ा चेंज होता है लेकिन फिर भी हम उसको होमोजीनियस मान के चलते हैं। क्लियर, यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, यह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब हमको इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना विभिन्न स्थितियों में। विभिन्न स्थितियों मतलब जैसा हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, जैसे विद्युत में पढ़ा, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, एनी पोजीशन, मतलब कहीं भी। तो ये थ्री पोजीशन आपको यहाँ पर पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की गणना करना यह कहलाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन, या एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं, इंग्लिश में कई नाम से जाना जाता है। और एक्चुअल में यह टेन ए पोजीशन, गास ए पोजीशन भी कहलाता है, यह भी ध्यान रखना।
गास नामक साइंटिस्ट ने दिया था, तो गास का ए पोजीशन भी कहते हैं। देखो अलग अलग नाम से यदि किसी टॉपिक को जाना जाता है वो जानना जरूरी है, कभी आपको एग्जाम में उसको थोड़ा घुमा के पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, इंडियन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, और इसको बोलते हैं अपन गास ए पोजीशन। ए मतलब होता है एक्सिस, ए मतलब एक्सिस पोजीशन, क्लियर। तो ये क्या होता है आपको पता है, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है मैं आपको विद्युत में समझा चुका हूँ। देखिए सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस तरह से हमने सपोज किया कि ये एक दंड चुंबक है, क्लियर। ये एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक का सपोज किसी भी ध्रुव को आप नॉर्थ पोल किसी को भी साउथ मान सकते हो। सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, किसी को आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है कि बुक में इधर तो साउथ लिखा है सर आप तो नॉर्थ पढ़ा दिए थे, उसका कोई मतलब नहीं है, आगे कैलकुलेशन में ठीक हो जाएगा वो। अब यहाँ पर इसका अक्ष हम मान लेते हैं, तो मान लो ये इसका अक्ष है, ये जो लाइन मैंने खींचा ये अक्ष है। मैं समझा चुका हूँ चुंबक अक्ष क्या होता है, चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर जाने वाली रेखा, क्लियर। इनके इसकी प्रभावकारी लंबाई को, इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, इसको हम मान लिए 12 मान लिए। ये इसका सपोज न्यूट्रल पॉइंट है O, और इसके अक्ष में यहाँ पर कोई बिंदु है P, और इसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब इस बिंदु P का हम इसके उदासीन अक्ष से न्यूट्रल पॉइंट से दूरी मान लेते हैं, मान लो ये दूरी है R, यहाँ से दूरी को आप L, R, D, L तो हम मानते हैं R, D मान सकते हैं ना, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं पर हम R, D लिख देते हैं, कुलाम के नियम में हम D लिखे थे तो चलो यहाँ भी D लिख देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, D मान लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो P बिंदु है यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अभी मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना जहाँ हम करते हैं वहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर जो एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है उसको साउथ पोल क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि नॉर्थ है ये साउथ है, और उसका मान हम लिख दिए बी और नीचे में छोटा सा एस, ये सदिश राशि है तो एरो लगा दिए, मतलब इस दिशा में बी एस कार्य करेगा, और यहाँ पर जो एकांक उत्तरी ध्रुव रखा है उसको नॉर्थ पोल क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये दिशाओं को ध्यान रखना, दिशा का यहाँ बहुत महत्व है। तय हो जाएगा बी एन जो नॉर्थ पोल के कारण होगा। इस प्रकार से बिंदु पी पर दो बल एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, इस साइड में बी एस, इस साइड में बी एन। अब हम बी एस और बी एन का मान निकाल लेते हैं, और बी एस और बी एन के मान में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटी राशि को हम घटा देंगे, तो छोटी राशि को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर परिणामी तीव्रता मिल जाएगा। इस प्रकार से अक्षीय स्थिति में हम इसकी तीव्रता की गणना कर लेंगे। तो चित्र के नीचे पूरा आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे माना की वगैरह। इसके बाद हम सीधा सीधा लिखते हैं बी एस का वैल्यू, इसलिए ये हम बी एस लिखते हैं, मतलब एस पोल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यह हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, एम ध्रुव प्रबल एम मान लिए, और अपॉन इनके बीच की दूरी है ये साउथ पोल और पी के बीच की दूरी, जिसको हम क्या कह सकते हैं पी एस, तो पी एस का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमको इसको दिशा बताना जरूरी है, तो इसका दिशा है पी से एस की ओर, तो ये अपन लिख देंगे पी एस, क्लियर। ये हो गया, अब आगे इसके मान को भर देते हैं, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, ये पी एस का मान कितना हो देखो, पी से एस तक का मान, ओ से एस तक का मान क्या होगा एल, क्योंकि आधी दूरी है, और यह है डी, तो क्या हो जाएगा ये पूरा डी में से एल को घटा देंगे, तो हो जाएगा डी माइनस एल का होल स्क्वायर, दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने निकाल लिया एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे एन के कारण, तो ये हो जाएगा तथा बी एन नॉर्थ पोल के कारण, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन। अब इनकी बीच की दूरी देखिए, इनकी जो बीच की दूरी है नॉर्थ के, तो नॉर्थ से ये दूरी है क्या है पी एन है, जैसे पी एस था ये क्या है पी एन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी एन का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी भी दिशा बता देंगे अपन, तो दिशा क्या है इसका देखो, ये इसकी दिशा है मतलब एन से पी की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षित कर इस तीर के निशान को देखो, तो हो जाएगा इसका दिशा पी से एन की ओर।
और ये हम इसमें एरो लगा दिए। दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए पी एन का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो पी एन क्या है, पी से एन के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है और ये दूरी क्या है, एल है, तो हो जाएगा डी प्लस एल, जैसे यहाँ डी माइनस एल हुआ था ये हो जाएगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर, दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आप देखो दोनों का तुलना करो बी एन और बी एस का, यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए अब हम निकालने वाले हैं क्या, इसकी परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जिसको हम बी कहेंगे, तो बी बराबर देखो अब हम परिमाण निकाल रहे हैं तो इसमें एरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो बी एन और बी एस, ये बी एस है और ये अपने पास बी एन है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ज़्यादा कौन है कम है, तो ज़्यादा बी एस का वैल्यू अधिक होगा, कैसे होगा, क्योंकि इसका हर छोटा है और इसका हर क्या है बड़ा है, इसके हर में डी माइनस एल है और इसके हर में डी प्लस एल है, तो भिन्न की विशेषता हम जानते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका हर छोटा हो और राशि बड़ी होती है, या ऐसा भी आप समझ सकते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यहाँ पर दूरी कम है तो बल ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है तो बल कम लगेगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एस से हमको क्या करना पड़ेगा, एन को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर बी एस माइनस बी एन, चाहे तो हम यहाँ रीजन बता देंगे कि बी एस बड़ा है किसे, बी एन से, यहाँ तीर का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि परिमाण में बड़ा है, कभी दिशा में छोटा बड़ा कोई राशि नहीं होता, कोई भी दो राशि का छोटा होना या बड़ा होना उसके परिमाण उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है, दिशा पर नहीं, तो आप ध्यान देना कि कहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ कहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ। दैट इक्वल, अब इसकी गणना करें दोनों का मान भर देंगे, तो दोनों में जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर कर देते हैं, तो दोनों में कांस्टेंट क्या है, दोनों में है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम भी है, इसको हम बाहर कर दिए, तो यहाँ से बच जाएगा 1 अपॉन d माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से d प्लस l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। दैट इक्वल आगे इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अब इन दोनों का हम लघुत्तम निकालें तो इन दोनों का लघुत्तम दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों का गुणा डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से इतना हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बीजगणित से आपको एक सूत्र पता होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab, ये 4ab के बराबर होता है, क्लियर, तो उस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4πm और अंदर में हो जाएगा जैसे वहाँ 4ab तो 4 और ld अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, तो एडजस्टमेंट करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि हम इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4π, म्यू नॉट अपॉन 4π और आगे यहाँ पर ये 4 को 2×2 लिख रहा हूँ, क्लियर, तो 2ml को एक साथ लिख दिया 2ml, यहाँ से एक 2 लिया, m को लिया, l को लिया, तो 2 बचा, तो इंटू क्या लिख देंगे अपन 2d, ये हो जाएगा अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट इक्वल, ऐसा क्यों किया हमने, म्यू नॉट अपॉन 4π, ये जो 2ml का वैल्यू है, 2ml क्या होता है, कैपिटल M, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि 2ml क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मान कैपिटल M लिखते हैं अपन, 2ml के बराबर होता है, तो उसको हम लिख देंगे 2 को सामने लिख दिया 2 कैपिटल M इंटू डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बी, ये इसका फाइनल इक्वेशन है, क्लियर। अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन लगाते हैं कि यदि चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है 2L वो बहुत छोटी हो डी से, जिसको हम बोलते हैं छोटा चुंबक, मतलब हमारा चुंबक बहुत छोटा हो, यहाँ पर छोटा चुंबक होने का मतलब, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स
मिसकॉन्सेप्शन में चले जाते हैं, गलत कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे हम पढ़ाते समय बोलते हैं छोटा चुंबक, तो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कितना छोटा चुंबक, इतना 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 कितना छोटा चुंबक। तो स्वयं का छोटा का कोई परिभाषा तो हो नहीं सकता, छोटा होना रिलेटिव है, किसी से तुलना करके हम छोटा करेंगे। तो चुंबक खुद अपने आप में छोटा सा नहीं है, उसको छोटा कब कहेंगे हम, जब उसकी खुद की लंबाई मतलब 2L जहां हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं, जैसे ये चुंबक की लंबाई है और यहां हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं, तो इसका मान इससे जब बहुत कम हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, छोटा चुंबक कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम इस फार्मूला को लगाएं तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π। यहाँ पर ध्यान से समझना, अब हम L को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ये जो L है इसको हम नगण्य मान सकते हैं। जब नगण्य 0 मान लिए तो D का घात 2 और घात 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 में 1 D कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ से 2mD तो कैंसिल हो गया है और नीचे में अपॉन D क्यूब। ये छोटे चुंबक के लिए, शार्ट मैग्नेट के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। तो इस तरह से हम अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। क्लियर, ये होता है अक्षीय स्थिति। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति। आप स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहें, खुद से नोट्स बना रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स तो मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको। ये है सॉरी अक्षीय स्थिति ना, अभी हम क्या पढ़ें, अक्षीय स्थिति। इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति आपको पहले से पता है, इलेक्ट्रिसिटी में मैं पढ़ा चुका हूँ। निरक्षीय स्थिति को हम क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष बेसिक फंडामेंटल पढ़ाते समय मैंने बता दिया है कि उदासीन अक्ष क्या होता है। उदासीन अक्ष का मतलब ऐसा अक्ष जो उदासीन बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं उदासीन अक्ष, सेकंड निरक्षीय स्थिति। हेडिंग में हम निरक्षीय स्थिति लिख दें। अक्षी और निरक्षी के नाम से ये फेमस है, उसी नाम से जनरली जाना जाता है, निरक्षीय स्थिति। ब्रॉड साइड एंड पोजिशन, इसको बोला जाता है ब्रॉड साइड एंड पोजिशन इंग्लिश में, या ये गासेस बी पोजिशन, गासेस बी पोजिशन के नाम से, बी फॉर ब्रॉड साइड एंड। तो गास बी पोजिशन के नाम से भी हम जानते हैं क्योंकि गास साइंटिस्ट ने दिया था। अब यहाँ पर हम देखो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले निरक्षीय स्थिति का, ये हमारा दंड चुंबक है इस तरह से, ये सपोज इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी प्रभावकारी लंबाई हमने 2L सपोज कर लिया और ये इसका उदासीन बिंदु है O। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है, उदासीन अक्ष बनाना है। तो ये इसका उदासीन अक्ष है जो उसके न्यूट्रल पॉइंट से होके जाएगा। अब हमको इस बिंदु पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। यदि हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे। तो एकांक उत्तरी ध्रुव हम रखेंगे तो नॉर्थ पोल उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षण की दिशा को हमने प्रदर्शित कर दिया इस प्रकार से, और साउथ पोल क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये हो गया क्लियर। यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट है तो एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने डी मान लिया इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर काम करेगा, ये दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नॉर्थ पोल उसको प्रतिकर्षित कर रहा है तो ये दिशा होगा और हम उसको कहेंगे बी एन। साउथ पोल उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसको हम कहेंगे बी एस। और बी एन और बी एस की जो परिणामी तीव्रता है इसको हमने मान लिया ये बी, बी यहाँ पर क्या है, इसकी परिणामी तीव्रता है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, यदि इस कोण को थीटा मान लिया जाए तो आमने सामने की भुजा इसके बराबर है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कोण बराबर हो तो भुजा बराबर होते हैं, भुजा बराबर कोण बराबर होते हैं। अब ये इसका बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, वही से कोण है। तो वही से कोण दो दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो थीटा प्लस थीटा दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा।
यहाँ पर कैलकुलेशन का दो तरीका है, एक जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ और एक तरीका होता है इसके घटक निकाल के, बी एस साइन थीटा बी एस कॉस, जो कि लेंदी होता है। इसलिए जनरली मैं अपने कैलकुलेशन में, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर कौन से राइटर से पढ़ा रहे हैं, या ऐसा लिख देंगे तो मार्क्स कटेगा तो नहीं। देखो राइटर बहुत हैं, कुछ हमने अपना भी दिमाग लगाया है, तो ये जो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ वो बहुत मेहनत से तैयार किया, बहुत सारे बुक्स पढ़ के अपना दिमाग लगा के। आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बहुत से मेथड हैं, और कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन के तरीके को चेंज करेंगे तो एक दो स्टेप की कमी वृद्धि तो होती ही है, तो वो सब चलता है, लेकिन वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है। मैं यहाँ घटक ना निकाल के समानता चतुर्भुज के नियम का परिणामी का फार्मूला लगा के निकाल रहा हूँ, तो उसे क्या है, तीन चार स्टेप छोटा हो जाता है और कैलकुलेशन जल्दी समझ में भी आता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर मैं घटक निकालता, इसका बहुत सारा, कई बुक आप पढ़ेंगे तो बी एस कॉस थीटा बी एन साइन थीटा बी एन साइन थीटा, ये बहुत सारा घटक होगा, फिगर भी लेंदी हो जाता है। तो ये इसका चित्र हो गया। अब इसके बाद हम इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 1/1 लिखेंगे। हम बी एस पहले लिख लेते हैं, मान लो बी एस तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन पी से एस के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा पी एस स्क्वायर, और इसकी दिशा है पी से एस की ओर। ये यहाँ पर इसको रिलेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसमें मान भरने की जरूरत नहीं है, आगे बताऊंगा उसको मैं। तथा सेकंड क्या हो जाएगा, बी एन, तो बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन ये दूरी क्या है, पी से एन, तो हो जाएगा पी एन का स्क्वायर, और दिशा भी क्या है, पी से एन की ओर है। इसको आप दे दो रिलेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पी एन और पी एस आपस में बराबर है, परंतु पी एन बराबर पी एस, क्योंकि दोनों क्या है, आमने सामने की भुजा दोनों आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पर देखो कि ये दो रिलेशन जो बी एस और बी एन हम निकाले हैं, इसमें ये पी एस है और ये पी एन, ये दोनों को हमने आपस में बराबर बता दिया, बाकी राशि तो पहले से बराबर ही है, इसलिए दोनों पूर्ण रूप से बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ये हो जाएगा बी एस इक्वल टू बी एन, दोनों परिमाण में, अब यहाँ पर एरो नहीं लगाना है, दोनों परिमाण में बराबर हो रहे हैं। दो राशियों को बराबर करना है तो परिमाण में, यदि उनकी दिशा भी समान है तो परिमाण दिशा दोनों में समान होगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों परिमाण में बराबर हैं, क्योंकि दिशा तो अलग है, दिशा इसकी इधर है, दिशा इधर इधर है, तो यहाँ पर आप वेक्टर नहीं लगाएंगे। अब देखो जब दो राशि आपस में इस प्रकार से बराबर हो जाए, तो एक बार मैंने इलेक्ट्रिसिटी में भी रिवाइज किया था, एक मेथ का कॉन्सेप्ट है, सपोज ये सदिश ए है और ये सदिश बी है और दोनों के बीच का कोण थीटा है, और ये इसका परिणामी है आर, परिणामी आर है, और यहाँ पर यदि ए जो है बी के बराबर हो जाए, यदि ए को हम बी के बराबर बता दें, तो उस कंडीशन में परिणामी आर जो होता है वह 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ये समांतर चतुर्भुज के नियम में फार्मूला है, जो हम, आप यदि इसको जानना चाहते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का वेक्टर वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे तो ये सब मैंने वहाँ पर कंडीशनल पढ़ाया हुआ है, वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए 11th क्लास में उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। मैं 12th के भी मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि आप लोग, खासकर जो बायो के स्टूडेंट हैं, ये उस 5 या 6 वालू में है मेरे ख्याल से, उसको आप बहुत ध्यान से सभी पार्ट को देखें, ये सदिश वाले मेरे वीडियो में आपको मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जैसे बता दिया दोनों बराबर हैं, जैसे ए बराबर बी, तो ये फार्मूला लगेगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए परिणामी तीव्रता, तो इसका जो परिणामी तीव्रता होगा बी, वो बराबर हो जाएगा 2 और ए, मतलब दोनों में से कोई एस, चाहे बी एस लिख लो चाहे बी एन लिख लो, कुछ भी लिख लिया अपन, सपोज बी एस लिख लिए या बी एन ही लिख लिए, उसे फर्क नहीं पड़ना है, ये बी एन और इन टू कास, और दोनों के बीच में जो कोण है उसका आधा, तो हमारे केस में दोनों के बीच का कोण कितना है, 2θ है, तो हो जाएगा 2θ/2, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो b इक्वल टू 2 into, अब बी एन का मान हम भरेंगे, तो बी एन का मान यहाँ से भर दें, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4π एम अपॉन पी एन स्क्वेयर, पी एन स्क्वेयर, और ये हो जाएगा, दो दो कटेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4/2 को मैं इधर लिख रहा हूँ 2m इंटू, अब यहाँ पर देखो pn का वैल्यू, तो चित्र में आप देखना ये है pn, pn तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो पाइथागोरस के थ्योरम से कर्ण का मान कितना हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ पर हम उसके मान को भर दें और स्क्वेयर है, यहाँ स्क्वेयर लगा है, इसमें रूट है तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और इनटू कास थीटा कितना होगा, देखिए ये थीटा है और कास थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार एल है और कर्ण ये है, कर्ण अभी हम निकाले हैं, तो ये हो जाएगा एल अपॉन डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट, ये सब मान यहाँ पर भर देंगे। अब आगे इसको यदि हम सरल करें, आगे यदि हम इसको हल करें दैट इम्प्लाइज, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू क्या होगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4π, म्यू नॉट अपॉन 4π और ये हो गया 2ml, ये 2ml हो गया, 2ml क्या हो जाता है कैपिटल M, ये हो गया कैपिटल M अपॉन यहाँ पर डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का घात एक है और यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में रूट लगा है, मतलब घात 1/2 है, तो एक धन 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये इसका फाइनल इक्वेशन है। अब ये इसका फाइनल इक्वेशन है, यहाँ पर फिर हम कंडीशन लगाते हैं शार्ट मैग्नेट के लिए, यदि यह 2L है वो बहुत छोटा हो किससे डी से, मतलब छोटा चुंबक, चुंबक क्या हो छोटा हो, अभी जैसे मैंने बताया पहले टॉपिक में, तो छोटे चुंबक के लिए तो देयरफॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π, यहाँ पर देखो इसको हम जीरो मान लेंगे, तो जीरो मानेंगे तो डी का घात 2, घात 3/2, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्यूब बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा एम और नीचे डी क्यूब, ये हो जाएगा छोटे चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर आप देखो, आप ध्यान दिए होगे कि हमने इससे पहले जो निकाला वो क्या है अक्षीय स्थिति में, परंतु अक्षीय स्थिति में छोटे चुंबक के लिए ना, तो अक्षीय स्थिति में हम पढ़े हैं b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2m अपॉन डी क्यूब, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं, ये b निरक्षीय स्थिति है तो b निरक्षीय लिख देता हूँ, इसको b ब्रॉड साइड पोजिशन या यहाँ पर निरक्षीय लिख देता हूँ मैं छोटा सा ना आप लोग के समझने के लिए, b निरक्षीय और ये क्या है b अक्षीय स्थिति है, ये अक्षीय है, तो दोनों की आप तुलना करो तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो हम 2 को हटा के बाकी जो बचा राशि है उसके जगह में बी निरक्षीय लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं बी अक्षीय स्थिति बराबर 2 इंटू बी निरक्षीय स्थिति। इससे क्या संबंध मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप ध्यान रखना कि छोटे चुंबक के लिए अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है, अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दुगुनी होती है, लेकिन सिर्फ किसके लिए छोटे चुंबक के लिए, शार्ट मैग्नेट के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट ध्यान रखना, इस तरह के लास्ट में जो आपको मैं कुछ रिलेशन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं, ये सब आप स्पेशल केस को ध्यान में रखना। ये हो गया निरक्षीय स्थिति। इसके बाद इसमें तीसरा कंडीशन है, वो है किसी भी स्थिति, एनी पोजिशन, एनी पोजिशन का मतलब किसी भी स्थिति, मतलब वह ना तो अक्षीय स्थिति में है ना तो निरक्षीय स्थिति में, एक छोटा सा कैलकुलेशन है एनी पोजिशन, लेकिन ध्यान रखना ये जो एनी पोजिशन मैं आपको बताऊंगा वह सिर्फ क्या है शार्ट मैग्नेट के लिए होता है, सिर्फ वह शार्ट मैग्नेट के लिए होता है, क्लियर, छोटे चुंबक के लिए होता है। तो लास्ट है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए तीसरा, कोई भी स्थिति, मतलब कहीं पर भी कोई भी कह सकते हैं, एनी पोजिशन कोई भी स्थिति, एनी पोजिशन
और ये ध्यान रखना ये सिर्फ किसके लिए है, शार्ट मैग्नेट के लिए है, कंडीशनल फार्मूला है छोटे चुंबक के लिए। एनी पोजिशन के यहाँ पर मतलब क्या है, देखिए कि सपोज हमारे पास ये छोटा चुंबक है ये, और ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है और ये इसका उदासीन अक्ष है। ये तो आपको क्लियर है, अभी हमने दोनों के लिए पढ़ लिया। अब जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वो पॉइंट अब सपोज यहाँ पर है। अब देखो अब वो न तो अक्ष में है न निरक्ष में, इसी को बोलते हैं एनी पोजिशन, कोई भी स्थिति। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सपोज इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, यहाँ से देखो ये दूरी मान लो इसका डी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी एल है, टोटल लंबाई 2L है। अब यदि हम इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक, क्षैतिज घटक यदि हम बी ले लें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, तो इसके दो घटक निकाले जा सकते हैं। देखो एम के, कैपिटल एम के एक क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक। सपोज ये थीटा कोण बनाता है तो ये भी थीटा कोण होगा। तो एम के घटक, एम के मतलब चुंबकीय आघूर्ण का घटक, तो आघूर्ण का जब हम घटक निकालेंगे तो थीटा का पास वाला कास होता है तो यह हो जाएगा एम कास थीटा, और दूर वाला साइन होता है तो यह हो जाएगा एम साइन थीटा। अब यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि हमने अपने चुंबक को दो बार घुमाया, ये रेड इंक से बना रहा हूँ, देखो मैं ये एक बार हमने अपने चुंबक को ऐसा घुमा दिया, और चुंबक को घुमा के हम इस प्रकार की सिचुएशन में ले आए कि ये जो बिंदु है इसके अक्ष में आ गया, देखो अब ये बिंदु इसके अक्ष में है। और एक बार चुंबक को हम ऐसा घुमाया, ये कंडीशन इमेजिनरी हम सोच रहे हैं यदि ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, और ऐसा घुमा दिए तो बिंदु P इसके उदासीन अक्ष में आ गया। तो यहाँ पर दो कंडीशन में हम इसकी गणना करेंगे, एक बार इसके अक्षीय स्थिति के लिए और एक बार निरक्षीय स्थिति के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं सपोज अक्षीय स्थिति में, मान लो वह बिंदु अभी चुंबक के अक्षीय स्थिति में है, मान लो वह बिंदु क्या है चुंबक के अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति के लिए हम फार्मूला अभी पढ़े हैं, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4π 2m। लेकिन यहाँ पर अक्षीय स्थिति क्या है, देखो ये अक्ष है चुंबक का, ये अक्षीय स्थिति है और ये निरक्षीय स्थिति है। तो यदि हम इसको अक्षीय स्थिति में लें तो अक्ष का घटक लेंगे जो कि क्या है m cos थीटा, तो यहाँ पर 2m ना लिख के हम क्या लिखेंगे 2m cos थीटा और अपान इस बिंदु की यहाँ से दूरी क्या लिया है हमने d, तो है अगर डी क्यूब। ये फार्मूला है शार्ट मैग्नेट के लिए। तथा दूसरा यदि हम इसी को लगा दें किसके लिए, निरक्षी स्थिति के लिए, तो निरक्षी स्थिति में यहाँ पर जो b होगा इसको मैं b1 कह रहा हूँ या इसको b2 कह रहा हूँ, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, अब यहाँ पर m होगा, और साइन थीटा अपॉन डी क्यूब, क्योंकि निरक्षी स्थिति में 2 नहीं होता, अभी वही मैं कंपेयर किया था आपको ना। अब यहाँ पर परिणामी निकालें तो इसलिए इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी, अब परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखो ये अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये समांतर चतुर्भुज के नियम का 90 डिग्री वाला केस लगाएंगे, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, दैट इक्वल यहाँ पर सबके मान को भर दो, बी वन का मान ये है, हो गया म्यू नॉट अपॉन 4π 2m cos थीटा अपॉन डी क्यूब का होल स्क्वायर, और प्लस बी टू का वैल्यू ये है, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π m sin थीटा अपॉन डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको आगे हम सरल कर लेते हैं, इसको बहुत आसान है इसको सिंप्लीफाई करना, दैट इक्वल दोनों में जो कांस्टेंट है स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर आके रूट के बाहर हो जाएगा, तो क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4π कांस्टेंट है, यहाँ पर m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और ये डी क्यूब ना, डी क्यूब कांस्टेंट है, तो m अपॉन डी क्यूब दोनों में उभय निश्चय सॉरी। तो यहाँ से क्या क्या बचेगा आप ध्यान देना, यहाँ से जो बचेगा 2 बचा है cos थीटा बचा है, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ से बचा है केवल sin थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर लगा है, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4π m अपॉन डी क्यूब
और इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, किसी को बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे cos को बदल लो चाहे साइन को बदल लो एक जैसा करने के लिए। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब और इनटू रूट ऑफ, इसमें से एक माइनस होगा तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला एनी पोजीशन के लिए। लेकिन अब ध्यान रखना, ये जो एनी पोजीशन है वह सिर्फ शार्ट मैग्नेट के लिए है, क्लियर। तो यहाँ पर B1 में 2m cos थीटा पुट करना है, यहाँ पर m sin थीटा पुट करना है, स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करना है, म्यू नॉट अपन 4 पाई m अपन d क्यूब कॉमन है, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, ये फाइनल इक्वेशन है, क्लियर। तो ये आज के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया कूलम्ब का नियम और अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और एनी पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा सेशन था, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बहुत कवर हो गई इससे, और ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू।